नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564903096906089752385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन में सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो फॉलो कीजिएगा प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है जनगणना 2011, क्योंकि सेंसस नया हुआ नहीं है तो अभी यही आंकड़े जो है आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के जो जिले लिखे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा ये पॉपुलेशन है इसमें सोनभद्र में, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किसी सामान्य बिल के जो है उस पर कह लीजिए विषय पे ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है ताकि उसको पास कराया जा सके संसद के अंदर। तो ये प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है आर्टिकल 108 में। ऐसे जो कोई मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बल्दाई पहाड़ियों से निकलने वाली वोल्गा नदी किस सागर में जाकर के गिरती है? यूरोप के रीजन में देखेंगे लार्जेस्ट रिवर ये फ्लो होती है इसमें एंड में कैस्पियन सी में, ठीक है, ऑप्शन डी। मैप लोकेट कर लीजिएगा इसे प्लीज। कौन सा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है इनमें से? तो मेरापी, ठीक है, ये US हो जाएगा, जापान और कॉन्गो। १९२६ में मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना इसमें से कहाँ पर की गई थी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ओरिजिनली जो है ये कहा जाता था ऑल इंडिया कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक। अभी क्या कोई ये बताएगा वर्तमान में ये किस नाम से जाना जाता है? कॉमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका ICAR और झांसी में है ये। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में जो एक्वाटिक हमारी ये स्पेसीज होती हैं इसमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए ये ISFR रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है तो अभी लेटेस्ट आई नहीं है, तो 21 वाली चल रही है, ठीक। तो इसमें जो टोटल इंक्रीज हुआ था 2019 से 2021 में मैंग्रोव कवर में इंडिया के वो 17 स्क्वायर किलोमीटर था। राज्यवार अगर जो पूछा गया यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस राज्य में वृद्धि देखी गई तो उड़ीसा में, ठीक है, उसके बाद सेकेंड पोजिशन पे ये महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तो ये भी चीजें ध्यान रखिएगा। पहला इंडो ग्रीक राजा कौन था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? बुद्धिज्म में कन्वर्ट प्रोबेबली जो है ये मिलिंदपन, जो कह लीजिए इसके रिकॉर्ड्स हैं उसके अनुसार ये था मिनेंडर, ठीक है, ऑप्शन डी, जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ। इसमें से किसने श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किया था? जो है ये 980 AD के अराउंड जो है लगभग 18 मीटर टॉल ये प्रतिमा एस्टेब्लिश की गई गंग डायनेस्टी के जो थे ये चामुंड राय इनके द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बाद के वैदिक पंथ में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो जो है ये वैदिक पीरियड के जो ऋग वैदिक पीरियड के प्रोमिनेंट गॉड माने गए इंद्र और अग्नि, ठीक। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस जो है थोड़ी सी कह लीजिए लॉस्ट करी और यहाँ पे इनको प्रजापति, इनको जो है एक तरीके से कह लीजिए सुप्रीम पोजीशन पे माना गया, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? ठीक है, गाय। इनमें से कौन सा चोल शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो चोल डायनेस्टी के शासन के दौरान उहार, है ना, ये जो हमारा कावेरी नदी का एंड पॉइंट है यहाँ के रीजन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका एक जो है
पोर्ट रहा, ठीक, ऑप्शन बी। किस चोल शासक ने पांड्य और चेर शासकों को वेन्नी के युद्ध में हराया था? साउथ इंडिया के जो फेमस डायनेस्टीज हैं तो इनमें आपस में संघर्ष लगातार चलता रहा, तो अर्ली चोल रूलर था एक जो है ये कारिकल चोल, ठीक, तो इन्होंने जो है बैटल ऑफ वेन्नी में इनको हराया था। आप जरा ये बताइएगा कि बैटल ऑफ वेन्नी का जो ईयर है क्या है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और लोकेशन अक्सर पूछी जाती है, तो ये सुतकांगेडोर जो है ये इसमें पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाला रीजन है यहाँ पे स्थित है, तो ये ऑड हो गया, बाकी के तीन संबंधित हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में मुख्य सड़कों की दिशा में घरों के दरवाजे रहे? ठीक, तो एक्सकवेशंस के आधार पे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें ये पाया गया कि जो लोथल की सिटी है गुजरात रीजन में, यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थी तो उसके जो घर थे उनके जो मेन डोर होते थे, जो एग्जिट हमारा मेन गेट होता है, वो जो सड़क है ना, जो मेन सड़क होती थी उसकी तरफ होते थे। नेक्स्ट है, मेहरौली स्तंभ शिलालेख किसके शासनकाल में बनवाया गया है? तो दिल्ली में जो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, तो ये इसका गुप्त पीरियड का है, ऑप्शन डी। सात वर्गों में मौर्य कालीन समाज के विभाजित होने का जो प्रमाण है किस एक से मिलता है इसमें से? तो कई बार एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि मौर्यकालीन समाज जो है वो कितने भागों में विभाजित था, ठीक, तो दूसरे तरीके से अगर जो यहाँ पे पूछा गया है तो एक पुस्तक है फेमस इंडिका, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, मेगस्थनीज के द्वारा, तो उसमें बताया गया है कि मौर्यन सोसाइटी जो है वो सात भागों में विभाजित था। नेक्स्ट है, कर्नाटक मेनली दक्षिण भारत जो है इसमें जैन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस जैन संत को था? तो इस रीजन में ये जो है जैन धर्म के प्रसार के लिए ये भद्रबाहु, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट, इनको जाना जाता है। हमारे पास दो सूची है, उसमें एक में जो है ये फिलोसॉफिकल थॉट और दूसरे में किसके द्वारा उसे दिया गया, उसकी लिस्टिंग है, उसको मैच करना है। तो अगर आपको इसमें जो है देखिए ये जैसे मैच कर लेते हैं, न्याय संबंधित है गौतम से, ठीक, वैशेषिक, ठीक, ये हो जाएगा किससे, ठीक है, उसके बाद सांख्य जो है ये हो जाएंगे कपिल यानी सी का 5, ठीक, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी, ठीक, और उत्तर मीमांसा, ठीक, तो कोड हमारा बनेगा 3, 4, 5, 6, 1, 2। इसमें से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? ठीक, तो मौर्यन एम्परर जो हुए बिंदुसार, इनकी रुचि से संबंधित है ये जैनिज्म का एक सेक्ट है आजीवक, ठीक, ये कालिदास की रचनाओं में शामिल हैं, तो ये मतलब पांचों ही जो कह लीजिए रचना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र, ऋतुसंहार, कुमार संभव, ठीक, सारे ही सही हैं। भारतीय संगीत के लिए कौन सा वेद महत्वपूर्ण है? तो ये म्यूजिकल जो चीज़ों का संबंध भी रहा है वेद से, वो कौन सा था? सामवेद, तो यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो कथन है हिंदी दिवस के बारे में, कौन सा इसमें से सही है? तो हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है, ये गलत है, 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक, और अनुच्छेद 351 कॉन्स्टिट्यूशन का है, हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश देता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बात ठीक है, तो सिर्फ दूसरा सही है ना। नेक्स्ट है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार किया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा या लूंगा? ठीक, तो फांसी हुई थी रामप्रसाद बिस्मिल को इसमें दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में, ठीक है, तो तब का ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। भारत में जो शिक्षित मध्य वर्ग था 1857 के दौरान, जब प्रथम ये क्रांति जो कहते हैं हम,
तो इन्होंने अपना क्या स्टैंड रखा है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो ये ना तो इन्होंने सपोर्ट किया ना ही अपोज किया, न्यूट्रल एक तरीके से रहे थे। कुषाण शासक के संबंध में देखिए यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। तो विम कटफिसेस काफ़ी फेमस रूलर था, इसने गोल्ड की जो ये कॉइन्स थे इसको इशू किए थे, ये ठीक है। और कनिष्क शासक जो हुआ इसके शासनकाल में, जो ये पेंटिंग्स की ये गांधार और मथुरा शैली थी, ठीक है, इनका विकास हुआ। तो दोनों बातें ये ठीक हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, मॉडर्न डे जो बिहार है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया इसको, गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे कुमार गुप्त, इनके द्वारा। दो स्टेटमेंट हमारे पास अब है, उसमें से सही को देखना है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, 850 CE कह सकते हैं इसके अराउंड, विजयालय चोल जो था है ना ये फाउंडर है। और तंजौर में शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये राजराज फर्स्ट चोल जो था इसके शासनकाल में हुआ। तो दोनों बातें ठीक हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरि का शासक कौन था? तो सल्तनत काल में ये जो है यादव डायनेस्टी के रूलर थे ये रामचंद्र देव, ठीक है, देवगिरि के रीजन में। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण इस टाइम पीरियड में हुआ, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। जैसे फेमस कैंपेन्स या जो कॉन्क्वेस्ट रहे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका चित्तौड़गढ़ का, ठीक है, फिर जैसे ये गुजरात रणथंभौर है ना, अभी देवगिरि का हमने देखा, इसके वो क्रोनोलॉजी भी लगाने के लिए आती है, तो थोड़ा इसको देखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इरिगेशन के पर्पस से कैनाल्स का निर्माण सबसे ज़्यादा किया इसने फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी में, ठीक। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे यानी स्लेव्स? तो ये तुगलक डायनेस्टी का ही रूलर फिरोज शाह तुगलक, इसके टाइम पीरियड में सबसे अधिक जो है स्लेव्स थे, ठीक। इसी के शासनकाल में देखेंगे दीवान ए बंदगान, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि ये स्लेव्स का ही था एक तरीके से संबंधित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत सैनिक सेवा के समर्थन हेतु गांवों से राजस्व कार्य अर्थात सरंजाम एक लोकप्रिय प्रथा थी? सिंपल शब्दों में समझें तो जो ये बेसिकली संबंधित था ये मराठा एम्पायर से, जो मिलिट्री कमांडर्स एक तरीके से उस साम्राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं को लैंड ग्रांट्स मिलता था है ना उनके सर्विस के रिटर्न में, ठीक। तो वही चीज़ है, ये ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। ये टर्म ध्यान रखिएगा, सरंजम कहाँ गया ये, ठीक। तो ये कभी देख करके सिंपली पूछ सकते हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट है मुगल शासक अकबर, इसने बंगाल एवं बिहार के जो रीजन थे इसको मुगल साम्राज्य में किस वर्ष में मिलाया? तो ये जो है 1576, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये कुछ कॉइन के नाम हैं और किस मेटल से बने होते थे, ये सल्तनत टाइम पीरियड की बात है। तो इल्तुतमिश ने इशू किए थे टंका कॉइन जो कि सिल्वर का था, और जीतल कॉइन जो कॉपर का था, ठीक, और शशकनी कॉइन भी इशू हुआ था इस दौरान चांदी का। आप ये बताइएगा इसको किसने इशू किया था, ठीक है, तीनों पेयर हमारे ठीक हैं। एक फेमस पुस्तक है तबकात ए नासरी, ठीक, तो जो है इसके राइटर वैसे थे मेनली जो है मिनहास ए सिराज, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस पुस्तक या ग्रंथ कह लीजिए इसमें सुल्तान नासिरुद्दीन जो है इसको समर्पित किया गया है, तो स्लेव डायनेस्टी से संबंधित है ये आपका नासिरुद्दीन महमूद शाह, ठीक, तो इसको ही समर्पित है ये पुस्तक। इसमें कुल 23 चैप्टर हैं। आगे चल करके इसका अंग्रेजी में अनुवाद रॉबर्टी नामक लेखक ने किया। तो तीनों बातें ठीक हैं और ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, मेनली ये मिनहास ए सिराज वाला नाम जो है अक्सर पूछा जाता है। मुगल शासक हुमायूं के द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्ध, इसका सही क्रम बताना है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। देवरा का जो युद्ध है 1532, चौसा जो हो जाएगा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555।
कौन सी इसमें अदिश राशि का एग्जाम्पल है, तो फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, इसको थोड़ा देखिएगा, प्रेशर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है एक शुष्क सेल, ड्राई सेल बेसिकली जो है हमारे इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस हैं उसमें मेनली यूज़ होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी वगैरह हो गया, तो इसमें किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो इसके बैटरी के हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं जो पावर एक तरीके से प्रदान कर रहे हैं, तो उसके मध्य जो आयंस हैं है ना, उसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होते हैं वो बैटरी में, ड्राई बैटरी में, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक, ऑप्शन पहला ही सही है। निम्नलिखित में से लंबाई की न्यूनतम इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये होती फर्मी है ना, फर्मी मीटर। अब जो कार वगैरह में बैटरीज यूज़ होती हैं, जिसमें जैसे जो ये इन्वर्टर की बैटरी भी होती है, तो इन सब में लिक्विड भी डाला जाता है ना, वाटर, तो एसिड होता है एक प्रकार का, तो किस एसिड का उपयोग करते हैं इसमें, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है दो सूची है, कुछ सब्सटेंसेस हैं और किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या वस्तु में उसका यूज़ होता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो है, पहले जो ये रील वाले कैमरे आते थे तो उसके क्लीनिंग वगैरह में इसको यूज़ करते थे, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट है ना, इसको हम यूज़ करते हैं मेनली एक्सप्लोजिव में, पोटेशियम सल्फेट ये उर्वरक, और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट जो है ये बेकरी प्रोडक्ट्स के बनाने में। ठीक है, तो 2, 4, 1 और 3 ये कोड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइएगा, और यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल जो है सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए। उसके लिए 3 कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग जो पार्ट है वहाँ पर बताए जाएंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो इन सब में भी एडमिशन ले सकते हैं, ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं लगातार। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।